माननीय हमारी प्रधान कांग्रेस पार्टी के श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और हाईकमांड ने मुझे आदेश किया है कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे बिलासपुर सदर में काम करेंगे और उसके तहत आज हम बाउंड्री पे अभी आए हैं, सीमा पे, बिलासपुर की सीमा पे। हालांकि लोग तो नैना देवी तक पहुंच गए थे जाकर के, हमने माता नैना देवी के चरणों में आशीर्वाद लेकर के आज इस चुनावी जो है रण का शंखनाद किया है, माँ का आशीर्वाद लेकर के। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ, जहाँ मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी आशीर्वाद से मुझे मौका मिला है, वहाँ पर मैं आदरणीय कांग्रेस पार्टी की प्रधान श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, श्री राजीव शुक्ला जी का, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, और श्री मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे सीएलपी के लीडर हैं, श्री सुखविंदर सुखू जी, दीपा दास मुंशी जी और धीरज गुजर जी जो फायर ब्रांड नेता हैं, सेंगर जी, इन सभी हमारे जो नेता हैं, एके एंटनी जी, मोहसिना किदवई जी, शैलजा जी, इन सब ने हमारे जो है सर्वे के आधार पर जनता की आवाज़ को देखते हुए मुझ पर विश्वास जताया है। उसके लिए मैं कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करता हूं और निश्चित तौर पर आज के जनसैलाब को देख करके आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ और फ्रेब की राजनीति ज्यादा चलने वाली नहीं है। बेरोजगारी यहाँ फैली है, महंगाई यहाँ बढ़ी है, उसको लेकर के हम जो है वो कांग्रेस की सरकार यहाँ बनाने जा रहे हैं और अंजना धीमानी जी हमारी प्रधान है, इनके नेतृत्व में हम चारों सीटें कांग्रेस की जीत रहे हैं और यही हमारी भगवान से भी प्रार्थना है कि चारों सीटें हमारी आए और हम ताकि हम सोनिया गांधी जी के हाथ मजबूत कर सकें। धन्यवाद।